नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में हाई कोर्ट के द्वारा एग्जेम्पशंस पे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। यदि किसी टैक्स पेयर को एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में एग्जेम्पशन दी गई है, क्या बाद में सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर जारी करके इस एग्जेम्पशन को विड्रॉ किया जा सकता है? केस के फैक्ट इस प्रकार है। जीएसटी की एग्जेम्पशन दी गई है, जो जीएसटी का एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था, लेकिन बाद में सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कि क्लैरिफिकेशन दी गई कि एग्जेम्पशन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को नहीं मिलेगी। कि जो सीबीआईसी ने सर्कुलर जारी किया है, ये वैलिड माना जा सकता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत? दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया कि सीबीआईसी के द्वारा जो क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर जारी किया गया है, वो जीएसटी के एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन को ओवरराइड नहीं कर सकता, क्योंकि जीएसटी का एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन टैक्सपेयर को राइट देता है जो कि क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर के द्वारा टेक ओवर नहीं किया जा सकता सीबीआईसी के द्वारा। इस प्रकार सीबीआईसी ने जो सर्कुलर इशू किया था, उसे सेट असाइड कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली देखा गया है कि टाइम टू टाइम सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर जारी करके बताया जाता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो जीएसटी के एग्जेम्पशन में नहीं आता है, तो उस केस में आप इस जजमेंट से बेनिफिट ले सकते हैं और अपने केस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट नहीं करती है, तब तक वो एग्जम्पशन स्टेक होल्डर को मिलती रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।